कोरोना जैसी महामारी के बीच प्रशासन ने नवरात्रि में दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित करने में कुछ गाइडलाइंस जारी किए। इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की गई। कोरोना जैसी महामारी के बाद भी भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माता के भक्तों के आगे कोरोना भी लाचार था। खलीलाबाद में भक्तों ने नवरात्र के आखिरी दिन रात्रि में जगराता किया और भजनों की धुन पर जमकर थिरके भी। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए कृष्णानंद रिपोर्ट। बेलघाट विकासखंड बेलघाट की ग्राम पंचायत मणिकापार में उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सौजन्य से लोक गायक विंध्याचल आजाद और टीम के द्वारा सरकारी योजनाओं का लोकगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, जहां वर्तमान में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला और स्वच्छता स्वास्थ्य शिक्षा हेतु लोगों को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के समापन संबोधन में प्रधान अरुण कुमार दुबे ने पूरी टीम उपस्थित लोगों का स्वागत के साथ धन्यवाद किया। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। कोरोना काल में बंदी के नाते शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं को आर्थिक संकट से उबरने और पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ मुहैया कराने का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ अनवल में कुल 393 का लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित किया, जिसके लिए नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में कैंप लगाकर पथ विक्रेताओं का ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश सिंह जनपद संत कबीर नगर द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक अमरीश सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार गौतम के नेतृत्व में आज अभियान के तहत चौकी प्रभारी पोली थाना धनगटा विवेकानंद तिवारी व जिलाधिकारी महोदया दिव्या मित्तल के निर्देश अनुसार आबकारी अधिकारी आरपी तिवारी को मिली मुखबरी सूचना के क्रम में शराब के बड़े कारोबारियों द्वारा मांझा क्षेत्र बोतहा सुकमी चौराह मांझा चहोड़ा व नदी किनारे क्षेत्र में पैमाने पर कच्ची शराब का निष्कर्षण किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी पोली विवेकानंद तिवारी आबकारी आरपी तिवारी आलोक कुमार सिंह आबकारी निरीक्षक भवानी प्रताप सिंह द्वारा पुलिस टीम के उक्त गांवों में नदी के किनारे और नदी के उस पार नाव द्वारा जाकर तबिश दी गई। मौके पर कुल 45 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की गई है। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए जिला प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे की रिपोर्ट। धनगटा संत कबीर नगर में मुताबिक कि आज मेमोरियल हॉस्पिटल के फाउंडर श्रीमती चंपा देवी द्वारा चिकित्सालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। डॉक्टर संजय त्रिपाठी ने बताया कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी व्यवस्था 24 घंटे इमरजेंसी व्यवस्था उपलब्ध है। स्थान शिव मंदिर रोड हैसर बाजार। मेमोरियल परिवार की तरफ से दीपावली छठ पूजा दशहरा की बहुत सारी हार्दिक बधाई। रिपोर्ट तहसील प्रभारी आशुतोष त्रिपाठी धनगटा संत कबीर नगर।